मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। और मेरे लिए तो हर साल ये स्पेशल होता है। फर्स्ट ईयर गणपति पप्पा आए थे तो लाइफ चेंज किए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तो आप लोग ने देखा एंगेजमेंट करके बैठी थी, फोर्थ ईयर आप लोग देख रहे शादी करके बैठी हूँ, तो मेरे लिए हर साल स्पेशल होता है पप्पा। पांचवा साल गुड न्यूज़, ज़्यादा स्पेशल रहेगा। अभी अगर मेरे ससुराल वाले ये वीडियो, ये इंटरव्यू नहीं देखते ना, तो मैं जवाब देती थी आप लोगों को। तो पटना में क्यों नहीं गया आपने? पटना में होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो अच्छा लगता वहाँ पे लोगों को। हाँ, मेरी भी इच्छा थी, बट यहाँ बॉम्बे में करना एक रीज़न ये भी था कि कुछ स्पेशल है यहाँ के लिए मेरे लिए। तो शादी के बाद, और बहुत हमारे जो रिश्तेदार हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे, उस समय एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो उन सब लोगों ने ये बोला कि हम लोगों को आना है गणपति में जोड़े से, मतलब जोड़ी के आप दोनों से मिलना है। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि हम लोग बॉम्बे में कर रहे हैं, वरना मेरी भी इच्छा थी कि मैं पटना करूँ। सबसे पहले सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। ससुराल नहीं है तो मेरा घर है। ससुराल मेरा थोड़ा दूर है, ठीक है। नहीं, जब मुंबई पटना की बात करें तो नहीं, मुंबई नहीं, मुंबई तो अब हमारा कर्म भूमि है, हम काम यहाँ कर रहे हैं। ससुराल नहीं बोलेंगे मैं इसको, ससुराल हमारा डोंबिवली में, ठीक है। मैं जब डोंबिवली में मिलूंगा तो ससुराल में मिलूंगा। तो कैसा रहा है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग आए और भी सब लोग जो आ रहे हैं, सबसे मिलके बहुत खुशी है मुझे। आप टिपिकल ट्रेडिशनल लुक में है, धोती कुर्ता, पंडित जी के रूप में बने हुए, ये जनेऊ भी ऊपर से। थोड़ा करना पड़ता है, पॉलिटिशियन हूँ, थोड़ा दिखावा जरूरी है। जवाब भी वैसे ही मिलता है ना आप लोगों को, पॉलिटिशियन कैसे जवाब देते हैं? कि अभी इन्होंने जैसे ससुराल मायके की बात की, तो एकदम जवाब तो वो था, पॉलिटिशियन टाइप का था ना। मुझे भी ऐसा फील हुआ। सीमा जी ने बताया 4 साल से गणपति आए तरक्की हुई, आपका एक पहला साल है गणपति का, तो हो सकता है अगले साल और ज्यादा तरक्की हो। क्या तरक्की चाह रहे हैं आप? गणपति बापा ऐसे ही अपनी दया दृष्टि दिखाए रखे, इससे ज्यादा मुझे और उनसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब उनका दिया हुआ सब कुछ। क्यों ऐसे बोल रहे पता है? बिना मांगे वो दे रहे हैं ना, तो सोचा होता है ना कभी कि हम लोगों को कुछ अच्छा देने वाले होते हैं और हम लोग कुछ छोटी चीज मांग लेते हैं। तो ये जैसे पिछले साल हम लोग थे, एंगेजमेंट हुआ था हम लोगों का, तो उस साल से इस साल तो इनके बिजनेस में या करियर में जो भी है बहुत चेंजेस आए हैं, मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। तो ये हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे पूछते हैं तुम क्या मांगी थी, तो मैं कुछ नहीं मांगती, बोलती पप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो मेरे बेहतर के लिए हो वो देना। तो बोलते हैं हाँ हाँ यही मांगना, नहीं तो मालूम पड़ेगा छोटा दे देंगे वो। तो वो ही ये भी बोलते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद मांगेंगे। हाँ, मैंने लिया। हाँ, तो इस बार भी हम लोगों ने सिर्फ आशीर्वाद मांगा है, बाकी पप्पा दे रहे हैं सब। अच्छी बात, क्या मैंने इंटरव्यू में आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं, तो घर में ये हाल है क्या शादी के बाद? नहीं नहीं, ये कैमरे का ऐसे मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बोलती कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही जैसा भी है। घर में सिर्फ इनका चलता है, मैं तो घर में बहुत शांत हूँ। नहीं, अगर पिछले साल भी आप लोग आए होंगे तो दिखा होगा, मुझे बोलने का मौका बहुत मिलता है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला मुझे बोलने का बहुत मौका मिलता है, ठीक है, भले बोल नहीं पाता। आप लोग देख रहे हैं ना, कैमरे के सामने ज्यादा बोलते नहीं है, तो कैमरे के सामने मैं ज्यादा बोलती हूँ, घर में तो मैं एकदम शांत लड़की हूँ ना। वो अभी कैमरा ऑन हुआ तो ही मैंने बोलना शुरू किया ना, ऐसे यही बोल रहे थे। मालूम है ना, पति का ज्यादा चलता है, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं। तो अब शादी का एक छमाही 6 महीना बीत गया, तो जैसे की जीडीपी गिरी है, तो आप लोग प्यार की जीडीपी बढ़ी है कि गिरी है? मुझे तो लगता है कि हम लोगों की अभी शादी भी नहीं हुई, हम लोग अफेयर में हैं अभी। डेली मतलब ऐसा होता है कि प्यार बढ़ता जाता है जब आप एक दूसरे को, मैं बोलती हूँ कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, और जब वो बनाता है ना, तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, वो और मजबूत होते जाते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैंने इंडस्ट्री में काम किया है 11 साल, पता नहीं मैं रिश्ते निभा पाऊंगी कि नहीं, बहुत मैं सोचती थी। लेकिन ऊपर वाला ना जोड़ी ऐसा बनाता है एक दूसरे के नेचर का, तो हम दोनों जिस नेचर के ना, हम लोगों का तो रिश्ता और मजबूत होते जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बिहार का अनुभव 6 महीने का, बिहार का अरे बिहार, लव बिहार, मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत प्यार है बिहार से। और मैं यहाँ पे कम रहती हूँ, मतलब आए दिन, हफ्ते में 2 से 4 दिन
मैं पटना ही रहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा डांस क्लास भी है, मेरा ससुराल भी है, और अभी डांस क्लास में हम लोगों ने योगा शुरू किया है, जुम्बा शुरू किया है, और भी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, तो आए दिन तो मैं वहीं रहती हूँ। मेरा अब ये सच में बॉम्बे मायका हो चुका है और ससुराल पटना हो चुका है।